नेगेटिव है या वीक है। सही है। इफेक्ट साइज अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है? इफेक्ट साइज हम किस लिए करते हैं? फॉर द एसोसिएशन या डिसोसिएशन प्रोसेस के लिए? स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन देखते हैं, क्या देखते हैं? यस सर, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन देखते हैं। इफेक्ट साइज में हम स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन देखते हैं। अगर ज्यादा इफेक्ट साइज ज्यादा होगा तो इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन ज्यादा है। अगर इफेक्ट साइज कम है तो हमें क्या करना होगा इसके लिए? व्हाट वी डू सर फॉर अगर दिस? इफेक्ट साइज हमारे पास कम हो तो फिर सर हम सैंपल साइज को बढ़ा देंगे ना। सही है, ये हो गए। देन वी गो फॉर द मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट? प्लीज कोई एक यहाँ पर, यहाँ से हमारा नया शुरू होता है, प्लीज स्टार्ट कर लें। व्हाट इज मेजरमेंट? चलिए सर मैं स्टार्ट करती हूँ। चलो सही है, पूछो। डिटरमिनेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट प्रेजेंट इन्वॉल्व असेसिंग ऑफ असाइनिंग ऑफ नंबर्स और सम अदर क्लासिफिकेशन। सर ये कह रहे हैं कि किसी चीज की क्वांटिटी को जब आप मेयर करना चाहते हो तो वो उसकी मेयरमेंट होती है, जैसे कि क्वांटिटेटिव स्टडीज में जो है मोस्टली हम मेयरमेंट करते हैं। मेयरमेंट इज बेस्ड ऑन रूल्स, ऑफन मेयरमेंट इज अबाउट असाइनिंग नंबर्स और सम अदर क्लासिफिकेशन टू सब्जेक्ट इन अ वे दैट रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी ऑफ एट्रीब्यूट न्यूमेरिकली। तो सर उसके एट्रीब्यूट से रिलेटेड है, मींस के सर ये इसमें ये आ जाता है कि ये नॉमिनल स्केल है या ऑर्डिनल स्केल है या यस इंटरवल यस स्केल है, तो ये हाँ सारी हाँ मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू उसके कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से होगी। मैनी फॉर्म्स ऑफ मेजरमेंट एग्जिस्ट, बहुत सारी मेजरमेंट होती है जैसे मैंने बताया नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है, रेशियो है, बट नॉट ऑल ऑफ विच इन्वॉल्व्स क्वांटिफाइंग अ ट्रेट। हर कोई जो है किसी एक खसूसियत के को नहीं बता रही होती, बल्कि कंसीडर नंबर ऑफ मेजर इन्वॉल्विंग सॉर्टिंग सब्जेक्ट इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी आप जो जानना चाह रहे हैं वो कैटेगोरिकली भी हो सकता है, नॉमिनल ऑर्डिनल उसमें आ सकता है। ओके ये बताओ, डिटरमिनेशन कैटेगोरिकल डेटा हम किस में डालते हैं? सर ये ये हम तो ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव में। डेटा में हम कैटेगोरिकल डेटा डालते हैं। ये हमारे पास कहाँ पर होते हैं? एसपीएसएस में ये सारा एक स्केल होता है, वहां पर मेंशन होता है, ऑर्डिनल है, नोमिनल है। तो हम क्या करते हैं, डेटा के करेक्टरिस्टिक्स को देख के हम सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज है, कलर है, इस किस्म की चीजें हो तो हम किस चीज में डालेंगे इसको, नोमिनल में या ऑर्डिनल में? सर नॉमिनल में, नॉमिनल में सर और एज सही है। और इसके अलावा मेरे पास अगर इस तरह के हो, क्या बोलते हैं, ग्रेटर है, मॉडरेट है, इस किस्म के कंसेप्ट हो, तो वहां पर मैं क्या करूंगा फिर? नॉमिनल ऑर्डिनल सर, ऑर्डिनल, वहां पर मैं ऑर्डिनल ऑर्डिनल डालूंगा। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनल अगर वो है, क्या बोलते हैं, लेंथ है, साइज को शो कर रहे हैं, पॉपुलेशन का साइज वहां पर शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का लेंथ जो है वो है 7 मीटर है, दूसरे का 8 है, तीसरे का 10 है, इस किस्म के। इसके लिए मैं एसपीएसएस में क्या सेलेक्ट करूँ, नॉमिनल ऑर्डिनल या स्केल? कंटिन्यू कंटिन्यू हाँ स्केल वो तो सर, कंटिन्यू स्केल स्केल, है स्केल, वो स्केल पे कंटिन्यू करेंगे। स्केल एसपीएसएस का बता रहा हूँ, वहां पर स्केल। कंटिन्यूज और ये वो नहीं होते हैं। आप लोगों ने तो पढ़ा है, ये सही कह रहे हो, कंटिन्यू स्केल होता है और दूसरा कौन सा स्केल होता है? हाँ डिस्क्रीट सर, चलो सही, नेक्स्ट अभी ये देख लो, ग्लोमेन के डिस्क्रीट नाम से। डिस्क्रीट चलो सही, अभी ये देख लो प्लीज। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग अ थर्मामीटर मेजर, ये मेजरमेंट के एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग अ थर्मामीटर मेजर द अमाउंट ऑफ हीट इन द बॉडी, वेयर इज आस्किंग अबाउट रिलीजन एफिलिएशन, सीक टू क्लासिफाई द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन हर बिलीव्स। सर इसमें बता रहे हैं जैसे कि थर्मामीटर है वो जो है सर वो एक इंटरवल स्केल है जिसके ऊपर इंटरवल के साथ जो है उसकी रीडिंग्स आती हैं। वो कहता है कि उसके लिए हम कुछ दूसरा जो है इंटरवल स्केल यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आप किसी की एफिलिएशन या बिलीव चेक कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप बेसिकली जो है नॉमिनल या ऑर्डिनल को यूज कर सकते हैं। रिगार्डनेस ऑफ द टाइप ऑफ मेजर नंबर्स आर यूजली ओनली टू द एक्सटेंट दैट दे प्रेजेंट द अंडरलाइंग कैरेक्टरिस्टिक दे आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट। जिसका इरादा रिसर्चर कर रहा होता है, जो उसको कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होते हैं आपने उसी उसी एक्सटेंट के लिए जो है वो कहते हैं उसी शरह के मुताबिक आपने वो मेजरमेंट स्केल या टाइप ऑफ मेजरमेंट यूज करनी होती है। वो स्केल्स की बात कर रहे हैं कि आपने कौन से टाइप का स्केल कौन सी रिसर्च के साथ जो है लगाना है। टू हैव वैल्यू दे मस्ट बी क्लियरली लिंक टू द रिसर्च क्वेश्चन एप्रोप्रिएट टू द
रिप्रेजेंट द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट एंड कंसिस्टेंटली एंड एक्यूरेट. वो कह रहे हैं कि जो आप क्वेश्चनियर लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चनियर अगर डायरिया की मैनेजमेंट के लिहाज से या उसकी प्रिवेंशन के लिहाज से आपकी मदर की नॉलेज को असेस करना चाह रहे हैं, तो आपका जो आपका क्वेश्चनियर होना चाहिए उसमें क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन ऐसे ही होने चाहिए जो आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे और कंसिस्टेंट रिजल्ट दे. सर ये रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं. वो हम पढ़ेंगे अभी. यहाँ पर टाइप्स ऑफ वो पढ़े. एक होता है फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट, जो हम नर्सिस करते हैं. देख लो फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस फोकस अटेंशन ऑन द यूज ऑफ फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट फ्रॉम पेशेंट फॉर क्लिनिकल रिसर्च एफर्ट. सर ये जो फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट है वो कहते हैं हम क्लिनिकल जो रिसर्च कर रहे होते हैं वहाँ पे मोस्टली जैसे हम वाइटल साइंस कर रहे होते हैं या लैब रिसर्च चेक कर रहे होते हैं, ग्लूकोज लेवल चेक कर रहे होते हैं, मोस्टली ये मेजरमेंट वहाँ पे पेशेंट केयर से रिलेटेड होती है. तो फिजियोलॉजिकल का मतलब फिजियोलॉजी से रिलेटेड है ना. yes, सही है. एक होता है साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट. शॉर्टकट बताओ जल्दी. ये सर इसमें ये बता रहा है कि साइकोमेट्रिक जो आपके साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर करता है आपका कोपिंग, आप कैसे किसी स्ट्रेस को कैसे कोप कर रहे हैं, आप अपने बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे रखते हैं. ये इंटरव्यू बेस्ड होते हैं, मोस्टली ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं. इसमें सेल्फ स्टीम मोटिवेशन वगैरह इसमें चेक करते हैं. मोस्टली सर्वे और क्वेश्चनियर के जरिए ये चीज की जा सकती है. द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा कलेक्शन मेथड इज सर्वे. इन द सर्वे मेथड आर सिस्टमैटिक टूल इज यूज्ड टू गैदर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फॉर रिस्पॉन्डेंट अबाउट देयर एक्सपीरियंस बिहेवियर एटीट्यूड एंड परसेप्शन. सर क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें जहाँ पे हम एक्सपीरियंस ज्यादातर क्वालिटेटिव में हम सर्वे यूज करते हैं और इंटरव्यू स्केल वगैरह यूज करते हैं. यस सर सही. और इसका बताओ कि सर्वे किसे कहते, जस्ट इसको आइडेंटिफाई करो, इसको बता दो प्लीज सर्वे. सर जैसे हम लोगों के घरों पे जाते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, फेस टू फेस मीटिंग करते हैं, तो वो हमारा सर्वे होता है. सर्वे के मेथड्स बताओ, कौन से मेथड्स हम कर सकते हैं ये भी बता दो बस. सर इसमें हम एक तो ओपन एंडेड क्वेश्चन जी ऑब्जर्वेशन. ओपन एंडेड क्वेश्चन किसे कहते हैं, जो जिसमें बंदे को कोई ऑप्शन नहीं दिया होता, इसको खुद जवाब देना पड़ता है. ओपन एंडेड क्वेश्चन ये होता है. सही है. बताओ ओपन एंडेड के मिसाल दो. ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं सर जिसमें आपको कोई आपने पूछा कि आपकी इस आपको डायरिया को कैसे मैनेज करोगे, तो आपने कोई उसको ऑप्शन ही दिए और उसने खुद से जवाब दिया. क्लोज एंडेड जो ऑप्शनल होते हैं, यानी डायरिया को कैसे मैनेज करोगे बाय ORS या प्लेजल, इस किस्म के आपने ऑप्शन दे दिए ना, दीज आर व्हाट, दीज आर द क्लोज एंडेड क्वेश्चन. सही है. और इसके अलावा फोर्स चॉइस क्वेश्चन किसे कहते हैं. सर फोर्स चॉइस क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको चॉइसेस में से एक चॉइस जो है सिलेक्ट करनी होती है. जैसे वो बता रहे हैं कि डायबिटीज से रिलेटेड नॉलेज अगर आप टीचिंग सेशन के बाद लेना चाह रहे हो, तो आपने उसको बताया कि आप सेटिस्फाइड थे अनसेटिस्फाइड थे, या आपने चार ऑप्शन दिए, आपने एक में से कहा कि कौन सा ट्रू है, तो उसने कहा कि ये नॉलेज जो है ये ट्रू है. फोर्स एक क्वेश्चन का आपने. और डायकोटोमस क्वेश्चन किसे कहते हैं, हमारे पास ये यूज होते हैं SPSS में, डायकोटोमस क्वेश्चन ये किसे कहते हैं जी. इसमें ट्रू और फॉल्स का देखा जाता है कि यस नो देखा जाता है या नहीं इसमें. यस सर यस नो और ट्रू फॉल्स इसमें देखा जाता है. सही है. स्केल बताओ. सर ये डायकोटोमस क्वेश्चंस को काइंडली थोड़ा सा एलाबोरेट कर दें, मैं लिख रही हूँ. शाइन बता दो कि आप बता दो. यस सर मैं बताती हूँ सर. जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, कैसे जैसे हम अपने एग्जाम के दौरान जब हमें क्वेश्चन आते हैं कि एक स्टेटमेंट लिखी होती है और नीचे लिखा होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, हमने बताना होता है कि ये ट्रू है फॉल्स है, यस है या नो है, तो दो ही ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना होता है. यही डायकोटोमस क्वेश्चन फोर्स में भी कर रहे हैं ना. फोर्स में चार मल्टीपल ऑप्शन होंगे, इसमें दो होंगे, बस इसमें दो होंगे, बस डाई है तो दो. ओके जहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपको चॉइसेस दी होती है उसमें से आपने जो है एक चूज करना होता है. जैसे कि वो लिकर्ट स्केल का बता रहे कि अ स्केल दैट यूजेस एटीट्यूड स्टेटमेंट रैंक ऑन अ 5-7 स्केल. A point scale, the degree of agreement or disagreement is given. A numerical value and total can be calculated. Each degree of agreement is given a numerical value, so a total numerical value can be calculated from all responses.
तो इसमें कह रहे हैं कि 5 या 7 जो है पॉइंट्स दिए हुए होते हैं लिकर्ट स्केल में, जैसे आप एग्री है, डिस एग्री है, स्ट्रांगली नॉट एग्री एग्री है, स्ट्रांग या एग्री है, ओके नॉट एग्री है या न्यूट्रल है, तो आपके जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको आखिर में कैलकुलेट कर दिया जाता है कि आपके कितने इसी लिकर्ट स्केल में। गुडमैन स्केल, गुडमैन स्केल सर ये एक ऐसा स्केल होता है जिसमें रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव कर रहे होते हैं, मीन सबसे पहले आपको सबसे कम वाली आपको बताई जाएगी स्टेटमेंट और सबसे ज्यादा जो है वो सबसे ऊपर होगी। तो उस फर्ज करें आपने उस स्केल में से 10 में से आपने 7 आपने स्कोर किया, तो इसका मकसद है कि आपको जो 10 पॉइंट्स दिए गए थे उसमें से 7 के साथ आप एग्री करते हैं और 3 ऐसे हैं जिनके साथ आप एग्री नहीं करते हैं, तो वो टोटल स्कोर जो है वो आपको उसमें बताते हो। ये एग्जाम्पल है, देख लो क्लोज एंडेड क्वेश्चन की एग्जाम्पल, इसमें क्या करना है, व्हाट इज योर करंट मैरिटल स्टेटस, ये ऑप्शन दिया हुआ है, सही है। और डायकोटोमस क्वेश्चन जो आप लोग क्या नाम है खराब बता रहे थे, व्हाट इज योर जेंडर, मेल या फीमेल, आंसर एक ही होता है, वेयर यू बॉर्न इन द यूनाइटेड स्टेट, वर यू बॉर्न यस या नो। और इसके अलावा एक एग्जांपल किसका दिया हुआ है, इसका भी दिया गया है लेकर्ट स्केल, उसमें सबर सबर मैं देख लेता हूँ, अगर देख लो इसमें क्या लिख लिया, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, डिसएग्री, नाइदर एग्री, ये क्या दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये किस चीज का है, ये लेकर्ट स्केल का है, लेकर्ट स्केल, गुडमैन स्केल ये है, देख लो। एनीवन नीडिंग हेल्प प्लीज ये बता दो कोई। ये सर मैं बता देती हूँ सर, इसमें देखिए एक उन्होंने कहा है कि हर बंदे को पहला जो ऑप्शन है वो बता रहा है कि हर बंदे को जो अपनी सेहत का खर्चा करना होता है वो अपने पॉकेट से करना होता है, ये लेस एक्सट्रीम केसेस है। और जो सबसे आखिर वाला पॉइंट है उसमें 7th पॉइंट आई थिंक वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे एक्सट्रीम ये है कि जितने लोग भी पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ का खर्चा गवर्नमेंट को करना चाहिए, तो मीन एक तो आपने खुद अपना करना है और एक जो है सबको गवर्नमेंट का करना है। तो आप किसके साथ ज्यादा एग्री करते हो, जितने पॉइंट्स के साथ आप एग्री करते हो, आपने 7 में से 2 के साथ एग्री करते हो तो आपका गुडमैन स्केल के मुताबिक 2 एग्रीमेंट और 5 जो है डिसएग्रीमेंट है आपका। गुडमैन स्केल बहुत कम यूज होते हैं लेकिन ये दूसरे स्केल यूज होते हैं, विजुअल एनालॉग स्केल, ये आपको पता है ना हम यूज करते भी हैं बच्चों के लिए। यस सर, मैं पढूं या जहांगीर को मौका दूं, बस जो भी है प्लीज कोई एक इसको भी वो है जागी? आप बता दो, आप अच्छा बता रहे हैं ताकि सबको समझ आए। विजुअल एनालॉग ओके। A rating type scale in which respondent mark a location on a corresponding to the perception of phenomena on the नजर नहीं आ रहा continuum कंटिन्यूम ओके कहते हैं कि ये एक रेटिंग स्केल होता है जिस पर आपने जो है एक कंटिन्यूम एक होता है जहाँ पे आपने अपनी परसेप्शन बताते हैं, जैसे पेन स्केल है सर, विजुअल एनालॉग स्केल, उसने वॉन्ग बीकर बस शॉर्टकट बताओ बस, इसलिए हम यूज करते हैं देख लो आप जैसे सर, इसमें आप परसेप्शन ये बच्चों के लिए यूज होते हैं, सही है, परसेप्शन यूज कर रहे हैं देखिए कि आप पेन स्केल होता है तो वो एडल्ट के लिए और ये विजुअल एनालॉग स्केल बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए हम यूज करते हैं। हाँ ओके सर, और कोई पेशेंट्स के लिए डिमेंशिया वाले पेशेंट्स, हाँ उसके लिए भी हम यूज करते हैं जो कॉन्शियसली अपना वो नहीं बता सकते हैं, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। और स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज, यस और स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज मेजरमेंट एरर, क्या स्ट्रेटजीज यूज करोगे? यस कहते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर रहे हैं उसके दरमियान एरर नहीं हो, जो कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एट्रीब्यूट टू स्कोर एंड द अमाउंट ऑफ एट्रीब्यूट दैट वाज प्रेजेंटेड बाय मेजर ऑब्जर्व स्कोर, जो आपको स्कोर चाहिए और जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके दरमियान कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट करें एक बच्चा है वो जो है अगर हम कहते हैं कि ये जो पेन स्केल है अगर कोई रोएगा तो उसके चेहरे से पता चल जाएगा कि उसके रोने वाले तासरात हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि एक बच्चा तो 2 के स्केल पर भी रोना शुरू कर सकता है। तो कहते हैं कि जो आप चीज आपने जो अपने मेजरमेंट कर रहे हो जिस क्वेश्चनियर में जो भी आप स्केल अप्लाई कर रहे हो, बेसिकली ये रिसर्च क्वेश्चनियर की बात करें, वहाँ पे आप जो मेजरमेंट जो स्केल यूज कर रहे हो, जो आप मेजर करना चाहते हो, जो आपने जो आपका ऑब्जर्व है और जो ट्रू स्कोर है उसके दरमियान ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वरना आपको एक्यूरेट रिजल्ट जो आपको जो रैंडमली या सिस्टमैटिकली मिलना चाहिए वो रिजल्ट पे इफेक्ट करेगा। सही है, स्केल के लेने का मकसद क्या है? मींस के कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप ऑब्जर्वेशन से देख समझाते हैं, ये बाद में समझा देंगे, ये समझाने वाली नहीं है ये चीजें, वो तो आसान है भाई बता दो।
जो चीजें आप ऐसे क्वेश्चन से नहीं, आप कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे आप बच्चे से आप नहीं पूछ पा रहे हो कि आपको कितना दर्द है, तो आप उसको ऑब्जर्व करके लिखोगे, आप पेन पेन पे आप अपना जो है रिसर्च कर रहे हो बच्चों की कर, या डिमेंशिया के पेशेंट में वहाँ आप उस पेशेंट से नहीं पूछ सकते हो कि आपकी आपके कंफर्ट में हो जोन में हो या डिस्कम्फर्ट जोन में, तो आप स्केल को भी जो है अप्लाई करके जो है अपनी जो आपका समझ आता है कर सकते हो. Random error is expected and is affected by host of influences that may be present in an experiment. कहते हैं कि आपने जो आप randomly जो चीजें चेक कर रहे हो वो जो है एक्सपेरिमेंट में उसको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, इतना एरर नहीं होना चाहिए कि वो आपके एक्सपेरिमेंट पर अफेक्ट करे. रैंडम एरर मे बी ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर्स कंफ्यूजन बायस एंड नॉर्मल एनवायरमेंटल वेरिएशन. कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि आप रैंडम एरर में आ जाती है, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं. किसी एनवायरमेंट में आप जो है एक बच्चे पर रिसर्च कर रहे हैं, कभी आप अडल्ट पे कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मेजरमेंट में फ़र्क हो सकता है. कुछ आप फेवरिज्म दोगे तो प्रेजुडिस बायसनेस को कहते हैं. कोई पेशेंट ज्यादा कंफ्यूज है, अब आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आपको रैंडम एरर्स मिलेंगे इसमें. व्हाइल दी स्कोर्स आर सोर्सेज ऑफ एरर आर नॉट प्रिवेंटेबल, द रिसर्चर शुड अवॉइड देम व्हेनेवर पॉसिबल. ये थोड़े बहुत एरर्स जो होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए. सिस्टमैटिक एरर शॉर्टकट बताओ. सर इसमें कहते हैं कि ये ज्यादा सीरियस इफेक्ट पैदा करता है. सिस्टमैटिक एरर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक चीज एक्यूरेट नहीं है लेकिन रिसर्चर समझ रहा है कि ये कंसिस्टेंट वे में आ रही है और ये एक्यूरेट है. फर्ज करें कि हमें एक बीपी अपरेटिस पे जो है बीपी जो है वन, वो उसकी मतलब वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा लेकिन वो 90-60 का बीपी दे रहे हैं लेकिन पेशेंट का बीपी 110-70 है, तो अगर मीन्स कि वो आपको इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं है लेकिन रिसर्चर समझ रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट रिजल्ट दे रहे हैं. ये सिस्टमैटिक एरर होता है. तो ये वो होते हैं, ये रिलेबिलिटी. हाँ, रिलेबिलिटी और दूसरा है वैलिडिटी, दोनों में क्या फर्क? चलो ये बताओ. फोकस ऑन कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी प्रिसीजन द डिग्री ऑफ रिप्रोडक्टिविटी और जनरेशन ऑफ कंसिस्टेंट वैल्यू एवरी टाइम एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड. कहते हैं कि जब आपकी वैल्यू कंसिस्टेंट वे में आएंगी, क्वेश्चनियर आपने एक जगह अप्लाई किया एक सैंपल के ऊपर, दूसरे सैंपल के ऊपर भी आपने वही क्वेश्चनियर अप्लाई किया और आपको सेम रिजल्ट दे रहा है, तो वो उसकी प्रिसीजन या रिलायबिलिटी खिलाती है. चलो इन दोनों में फर्क बता देंगे. स्टेबिलिटी विद एन इंस्ट्रूमेंट, हम स्टेबिलिटी विद एन इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रिलायबिलिटी कहते हैं. और इसको हम अल्फा कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड स्टैटिक्स से हम यूज करते हैं, या ये उसका बता रहे हैं आप लोगों को. बाय स्टैटिशियन जो है, अकॉर्डिंग टू बाय स्टेट जो है, हम इस स्टेट के लिहाज से हम अल्फा कोएफिशिएंट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या क्रोन बेस्ड अल्फा से हम कर सकते हैं. जी, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की स्टेबिलिटी को या स्टेबिलिटी को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटरनल रिलायबिलिटी मालूम करते हैं. और इसको कैसे मालूम करते हैं? इट्स मेजर बाय अल्फा कोएफिशिएंट. इसका कोई खास वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू होता है. इस वैल्यू के बिना पे हम कहते हैं कि ये रिलायबल है या नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी है या नहीं है. सही है, असलियत को कहते हैं स्टेबिलिटी को. स्टेबिलिटी मीन असलियत. तो दिस कोएफिशिएंट में भी मेरी आवाज सही नहीं आ रही है. इसको हम क्रोन बेच अल्फा भी कहते हैं. सही कोएफिशिएंट अल्फा को ये क्या इस ये इसलिए क्या किस लिए करते हैं? फॉर द इंटरनल रिलायबिलिटी के लिए करते हैं. और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 0.7 या इससे ग्रेटर होना चाहिए. अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रिलायबल बनाने के लिए, रिलायबल तब होगा जब इसका वैल्यू जो है 0.7 या इससे ग्रेटर होगा. सही है. और किसी को ऐड करना है, कुछ बताना है? मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही हो तो ठीक सर, ठीक है सर, समझ में आ रहा है. सही है. और दूसरा ये है स्टेबिलिटी अमॉन्ग इंडिविजुअल. हम इंडिविजुअल के दरमियान स्टेबिलिटी को करने के लिए वो क्या करते हैं? टोटल कोरिलेशन करते हैं. इंस्ट्रूमेंट के लिए हम क्या करते हैं? अल्फा कोएफिशिएंट और क्रोन बेच अल्फा यूज करते हैं. इसके वैल्यू 0.7 या इससे ग्रेटर होना चाहिए तो इसकी स्टेबिलिटी हम वो करते हैं, स्टेबलाइज या रिलायबल कहते हैं. और इंडिविजुअल के दरमियान स्टेबिलिटी देखते हैं तो उसके लिए टोटल कोरिलेशन करते हैं. ये भी एक हमारे पास एक टेस्ट है एसपीएसएस पे, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 0.5 की क्लोजली होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 0.54 है तो इट्स क्लोज नियर बाई है ना. अगर 10 है तो क्या हो गया? ये दूर हो गया. तो टोटल कोरिलेशन इंडिकेट्स वेदर परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल एटम इज कंस्टेंट विद इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑन ऑल एटम्स. ये क्या मतलब है? कोई
A total correlation indicates whether performance on single item is consistent with the individual performance on all items. Sir, वो questionnaire की बात करें कि जितने आप item का mean जितने questions आपने use किए वो आपकी जो आप check करना चाह रहे हो वो performance दे रहा है कि नहीं दे रहा है. Okay, एक हमारे पास दूसरा है stability between raters, inter rater reliability. ये क्या मतलब है? यह कहाँ पर use करते हैं? ये भी statistic वो है. क्वालिटेटिव स्टडी में ही आई थिंक ये यूज करते हैं. इसमें जो है ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है. ये आप ऑब्जर्वेशन जो चेक कर रहे थे वो जैसे वो इसकी एग्जांपल दे रहा है कि आप द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नर्सेज हु आर स्टेजिंग अ प्रेशर अल्सर शुड बी डॉक्यूमेंटेड. फॉर एग्जाम्पल के एक नर्स रेट करती है कि जो अर्ली जो बेड्स डेवलप हो रहा है वहाँ पे रेडनेस 10% है. दूसरी शो करती है कि यहाँ पे वो करती है कि 15% है. तो मींस के इन दोनों को एग्रीमेंट होना पड़ेगा कि वो 10 टू 15 का स्कोर दे सकती हैं. ओके, स्टेबिलिटी ओवर टाइम. स्टेबिलिटी ओवर टाइम इज क्वांटिफाइड बाय अ टेस्ट रीटेस्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट. इसका मतलब है कि एक सैंपल एक क्वेश्चनियर जो है टेस्ट किया गया है एक सैंपल के ऊपर और वही क्वेश्चनियर उस रिसर्चर ने दूसरे सैंपल पर टेस्ट किया है तो क्या दोनों की जो उसने रिलेट करके देखा है कि दोनों की कोरिलेट जो रिजल्ट उसमें आया और जो रिजल्ट दूसरे सैंपल में आया क्या वो दोनों सेम है. तो कहते हैं कि यूजुअल स्टैंडर्ड जो है 0.5 है लेकिन आप 0.5 को भी कंसिडर कर सकते हैं. सही है. दूसरा इंश्योर वैलिडिटी. वैलिडिटी को कैसे इंश्योर करोगे? द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू कंसिस्टेंटली मेजर व्हाट इज सपोज्ड टू मेजर. वैलिडिटी इज मोर चैलेंजिंग टू. जी जी, वैलिडिटी में ये फर्क है कि आपने जो रिजल्ट आपको मिलता है वो सपोज्ड टू मेजर जैसे आपने जैसे होना चाहिए वो इतना ही एक्यूरेट मीन उतना एक्यूरेट होगा जो रिजल्ट आपको. फॉर एग्जांपल मैं दो अल्फाज में बता रहा हूं. एक रिलायबिलिटी होती है रिलायबल. फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि मैंने एक घड़ी को स्टॉप वॉच को मैंने फिक्स किया है 6:30 बजे 6:30 को अलार्म देने लेकिन वो घड़ी कंस्टेंटली तौर पे वो 7 बजे वो कर देती तो 7 बजे जो है वो क्या है कंसिस्टेंसी है. तो दिस इज द रिलायबिलिटी. लेकिन वैलिडिटी इसकी क्या है 6:30 सही है. ठीक है सर. वैलिडिटी का मतलब जिस चीज पे आपने उसको फिक्स किया हो ना उसके फिक्सेशन को हम कहते हैं उसी पे होना चाहिए जो आप कह रही थी इसी तरह. यस सर. ये एक्चुअली बता रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चनियर है जब आप रिसर्च करते हैं तो वो इतना वैलिड और कंसिस्टेंट होना चाहिए कि जो रिजल्ट आप लेना चाह रहे आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से उस पे रिसर्च करना चाह रहे हैं तो आपको उसके रिसर्च के उसी स्ट्रेस के बारे में ही उसको रिजल्ट प्रोवाइड करे वो कंसिस्टेंट भी हो रिलायबल भी हो दोनों होने चाहिए वैलिड भी हो और वैलिडिटी और ये हो गए कंटेंट वैलिडिटी. इस पे हम वो बात नहीं करते हैं सही. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये थोड़ा बताना है या नहीं? यस सर बता देते हैं. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी सर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का ये मतलब है कि जो आपने क्वेश्चनियर बनाया है वो कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है उसके अंदर क्वेश्चंस क्या आपने डाले हैं. फर्ज करे आपने ये देखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट काज कर सकती है डिप्रेशन तो क्या उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपको ये बता सके कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका रिलेशन जो है डिप्रेशन के साथ है. अगर उसमें ऐसे क्वेश्चन क्योंकि जैसे सेल्फ स्टीम है सेल्फ रिस्पेक्ट है या मूड की चेंजेस हैं अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन मोर फोकस कर रहे हैं और डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो ज्यादा जो है नहीं आइडेंटिफाई कर रहे तो इट्स मीन कि आपने जो कॉन्स्टेंट वैलिडिटी है उस क्वेश्चनियर की वो आपने उसमें लैकिंग है क्योंकि आपने वो क्वेश्चन नहीं डाले जो कि आप रिसर्च करना चाह रहे हो वो कॉन्स्टेंट मीन उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स अच्छे नहीं बनाए आपने. क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी सर क्राइटेरिया का मतलब है सर कि आपने एक क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है और उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको वो जो है क्वेश्चनियर जो है रिजल्ट देगा देना चाहिए उसे. कहते हैं कि अगर आपने एक न्यू इंस्ट्रूमेंट यूज किया है और एक पुराना इंस्ट्रूमेंट का मतलब सर मैं स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बता दूं ये क्वेश्चनियर की बात करें कि एक क्वेश्चनियर उसने एक दूसरे पुराने रिसर्चर ने यूज किया था रिसर्चर ने क्वेश्चनियर यूज तो क्या वो देख रहा है कि दोनों ने जो क्वेश्चन डाले हुए थे उसके अंदर उसको दोनों का जो क्राइटेरिया था वो सेम रिजल्ट दे रहा है. अगर तो 70% दे रहा है एक 75% दे रहा है तो क्राइटेरिया जो है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं. अभी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बताओ. सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट
टेस्ट की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि ये क्या ट्रू पॉजिटिव है, और स्पेसिफिसिटी उसको कहते हैं द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट जिसकी वजह से हमें पता चलता है, टेस्ट की वो एबिलिटी जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये ट्रू निगेटिव है, सही है। सेंसिटिविटी द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट जिसकी वजह से हम बता सकते हैं उस टेस्ट की बदौलत कि ये ट्रू पॉजिटिव है, और स्पेसिफिसिटी हम इसी कहते हैं कि द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू डिटेक्ट दैट द पेशेंट इज ट्रू नेगेटिव फॉर सच टाइप ऑफ डिजीज। आप भी बता दो। यस सर, ये मैं बताती हूँ सर। जहांगीर बहुत खामोश है, वो कहेगा शाहीन बहुत बोलती है, इसे भी थोड़ा सा मौका दें, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है। चलो जहांगीर बता दो। सर एक सेंसिटिविटी होती है, एक स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है। तो या सर जैसे कि आपने ट्रू पॉजिटिव का मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल जो प्रेगनेंसी के स्ट्रिप्स आते हैं और आप उसको यूज़ करते हैं और एक लेडी है वो प्रेग्नेंट है और टेस्ट में भी पॉजिटिव आ गया, तो वो स्ट्रिप की सेंसिटिविटी हो गई है, ठीक है, तो इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं है और उसमें नेगेटिव आ गया तो उसको जो है ना स्पेसिफिसिटी कहते हैं, जैसे आपने ट्रू नेगेटिव का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो ये सर दो एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से इनको समझा जा सकता है। पता है कुछ हमारे पास कुछ ऐसे कंडीशन है।